हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं, जो कार है फिएट की, क्या नाम है इसका, पालियो, फिएट की पालियो है। स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी, तो बहुत बार हम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसका जो चेक इंजन लाइट है नहीं आता, इसके अंदर चेक इंजन लाइट। तो देखते हैं, इसको इग्निशन ऑन करते हैं। गाड़ी क्रैंकिंग कर रहा बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, हम लोग ये जब इग्निशन ऑन करते तो यहाँ पे एक लाइट आती है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट आती है, वो इसकी चेक इंजन लाइट रहती है, वो इसके अंदर आ नहीं रही। यहाँ पे एक लाइट आती है, अगर वो लाइट नहीं आएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये इसकी बैटरी लाइट है और ऑयल की लाइट है एंड सिग्नल वगैरह, जैसा कि देख सकते हो सिग्नल वगैरह। पता आपको फिएट की जो पालियो है काफ़ी पुरानी गाड़ी है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग जब इसको स्टार्ट कर रहे गाड़ी को तो इंजन क्रैंकिंग कर रहा है। ठीक है, इंजन घूम रहा है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसको मैनुअली चेक करना पड़ेगा इसमें क्या हो रहा है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो को मैं करता हूँ थोड़ा पॉज और इसमें चेक कर लेता हूँ कि कॉइल में करंट वगैरह आ रहा है, फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते। वो देखने से पहले मेरे हिसाब से इसके अंदर इसका ECM का प्रॉब्लम है, जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM जो है उसका इशू है। नहीं तो मेरे ख्याल से इसका जो है फ्यूज़ गया रहेगा, ECM में मेन नहीं जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइट आती है इंजेक्टर के जैसा बना हुआ। मुझे भी थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इधर, बट इधर यहाँ पर कोई एक लाइट आती है, तो इसका ECM मैं चेक करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पालियों का काम किए हुए, तो यहाँ पे एक लाइट आनी चाहिए। वो लाइट मेरे ख्याल से इसमें नहीं आ रही, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, देख लेते। तो फाइनली मैंने इसका चेक कर लिया, ये फ्यूज़ वगैरह जैसा कि देख सकते हो, ये सारे मैंने चेक कर लिया, इसके फ्यूज़ वगैरह है ये सब, और अंदर के भी फ्यूज़ चेक कर लिया। ये रिले है इसका, ये रिले भी मैंने चेक कर लिया, ओके है। प्लस इसके अंदर करंट नहीं आ रहा कॉइल के अंदर, ये जो वायर है कॉइल में करंट नहीं आ रहा, तो इसका ECM चेक कर लेते। और इसकी जो स्कैनिंग का वायर है मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो ये जो है वायर स्कैनर का है। एक मिनट, मैं आपको ECM पहले इसका एक बार ECM खोल लेता हूँ, फिर देखते। और इसके जो फ़ैन के रिले आते हैं, ये सब फ़ैन के रिले इसके, ठीक है। ये जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है ये कवर के पास, देख सकते हो ये जो कवर है ये वाले, यहाँ सब फ़ैन के रिले इसके, 1, 2, 3 ये जो फ़ैन वगैरह के रिले आते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर लगा हुआ रहता है, ये कवर खोलना पड़ता है यहाँ से। तो जैसा कि देख सकते हैं, इसका मैंने ये जो क्रैंक सेंसर ये भी चेक कर लिया, एंड ये इसकी जो रिले वगैरह है, 1, 2 ये फ्यूज़ है इसके अंदर, और रिले भी चेक कर लिया इधर। देखो ये जो रिले है ये भी चेक कर लिया मैंने, ये भी तीनों ओके है। इसमें जो हो रहा है वो क्या कहते हैं, इसका जो ये ECM के अंदर, जब भी मुझे लग रहा है पानी भी नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये रबड़ निकाल के देखा मैंने, इसके अंदर करंट नहीं आ रहा। ये जो वायर है इसका कॉइल का, दोनों मैंने चेक किया, इसमें 2-2 वायर है जो कॉइल के, इसके अंदर पल्स नहीं आ रहा, इग्निशन आ रहा है इसके अंदर बट पल्स नहीं आ रहा है। तो या तो इसका क्रैंक सेंसर ख़राब रहेगा, या तो ECM का फॉल्ट रहेगा, बट चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है तो ECM का फॉल्ट रहेगा शायद। ये इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ और खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या कंडीशन है, अगर कुछ रिपेयर करने जैसा है तो इसको रिपेयर कर लेते, चेक करते। इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ मैं, थोड़ा वीडियो करता हूँ पॉज। तो फाइनली जैसा कि देख सकते हैं इसका ECM का ही प्रॉब्लम है, मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा वीडियो पॉज और इसको करता हूँ रिपेयर। देख सकते हो यहाँ पे 2-3 लाइन जो है इसके ट्रैक का इशू दिखा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसका ट्रैक ख़राब दिख रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा रिपेयर और वीडियो करता हूँ पॉज, इसके बाद इसको कर लेते हैं फिटिंग। तो फाइनली हम लोग ने इसको फिटिंग कर लिया है, जैसा कि देख सकते हो ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल थोड़ा रिपेयर वगैरह करके फिटिंग कर दिया है हम लोगों ने इसको। एंड ये है इसका OBD केबल, ठीक है, ये जो है इसका OBD केबल है, डायग्नोस के लिए यहाँ से डायग्नोस होता है। ये देख सकते हो जो 2 वायर का है, ये इसका OBD का लोकेशन है, इससे ये डायग्नोस होता है। इसमें अलग कनेक्टर लगता है, 16 पिन यूज़ नहीं होता है इसमें, अलग से आपको मैन भी देना पड़ता है। कोई गाड़ी में दिखाऊंगा मैं, कभी कोई गाड़ी रही तो ये इसका OBD का केबल है। अभी अंदर चेक देखते, चेक इंजन लाइट इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये गाड़ियाँ थोड़ा कम मिलते हैं, मतलब बहुत कम। ठीक है, देख सकते हो ये इसकी चेक इंजन लाइट है जो आगे चली गई है, अभी वापस से देखता हूँ, देख सकते हो ये इसकी चेक इंजन लाइट है, ठीक है, ये वाली जो है ये पहले इसके अंदर नहीं आ रही थी, अभी आ रही है इसके अंदर, अभी प्लग के अंदर करंट भी आएगा और गाड़ी स्टार्ट भी होगी इंशाल्लाह, देख लेते एक बार सॉकेट में ना, डायरेक्ट टेस्टर लग जाएगा, मुश्किल नहीं, इसमें जगह है, जगह है, हाँ पिन है तो लगा ले, मुश्किल नहीं, तो हाँ पिन लगा ले। किस पे लगाया भाई, अभी चॉकलेटी वाले लगाओ, उसमें स्टार्टिंग में टेस्टर है, एक मिनट। हाँ
आ रहा है ना, इग्निशन आ रहा है डायरेक्ट, आ रहा है। एक सेकंड वापस चेक करता हूँ, दूसरा लगा वाले में, टेस्टर चेंज करो, पकड़ के रखो, हाँ ओके लगा दो कॉइल। तो देख सकते हो अभी एक कॉइल पे गाड़ी स्टार्ट और उसके अंदर करंट आ रहा है, दूसरे वाले पे लगाओ, इग्निशन आ रहा बराबर थे ना, वायर चेंज करके, ओके एक बेटा बस निकाल दो। तो इसका ये वाला जो इग्निशन है और ये देख सकते हो ये जो पल्स आता है यानी क्रैंक सेंसर के थ्रू, ये जो क्रैंक सेंसर इसका भी कभी कभी इशू आता है क्रैंक सेंसर के थ्रू, फिर एसीएम के थ्रू घूम के इसके अंदर पल्स आता है और ये डायरेक्ट इग्निशन है इसका। गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है दो सिलेंडर के ऊपर हाफ सेल्फ में, वापस से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, चेक लाइट आ रही है बराबर, ठीक है देख सकते हो कार जो है स्टार्ट हो गई।